भाई बाबर भाई कुलदीप यादव का शिकार हो गए थे यार। यादव से बाबर भाई की बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप है यार। मारने चला था और पवेलियन की तरफ भी चला था, लेकिन बच गया क्योंकि कनेक्ट नहीं हुई मुझसे। यार प्लीज बोर मत हो ना, हार्डेस्ट में ऐसे होता है यार। शॉर्ट अब आइडियल टाइम करके भी अगर बंदा ऐसे लगाएगा तो फिर बंदा क्या करेगा इस पिच पे यार। भाई हार्डेस्ट में ऐसे ही है, ठीक है, मजाक उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो नहीं सुपरमैन बने हुए, बैटमैन के भाई सारे बने हुए। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई, वेलकम बैक विद क्रिकेट 24 सिनेरियो मोड। फर्स्ट टाइम असल में गेम में कोई नहीं है, मैंने खुद से सिनेरियो क्रिएट किया है भाई। पाकिस्तान इंडिया का टेस्ट मैच ऑन हार्डेस्ट डिफिकल्टी इन लखनऊ में खेल रहा हूँ भाई, इकाना क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। और चेक करो सबसे पहले एक बार मैच की समरी देख लो, मैंने सारा सिमुलेट कर दिया था। इंडिया ने पहले, हमने टॉस जीता, पाकिस्तान मैंने पहले की थी बॉलिंग क्योंकि मैं लास्ट इनिंग्स में चेस करना चाहता था टूटी फूटी विकेट के ऊपर, जहां स्पिनर्स इंडिया के बहुत मसला डालने वाले हैं। इंडिया ने भाई पहली इनिंग्स में किया 285, पाकिस्तान ने उसके जवाब में दिया 324। इंडिया ने उसके बाद अपनी सेकंड इनिंग्स में भाई इस इतने मुश्किल विकेट के ऊपर पाकिस्तान के क्वालिटी बॉलर्स के सामने 473 का रन लगा दिए हैं और पाकिस्तान को 434 चाहिए जीतने के लिए। बहुत ही मुश्किल है और ऊपर से हार्डेस्ट डिफिकल्टी है इसमें, तो मतलब 20 30 50 भी मुश्किल से होता है। तो देखते हैं आज क्या बनेगा भाई। सबसे ज्यादा स्कोर इंडिया का रविंद्र जडेजा ने सेकंड इनिंग्स में भाई 123 नॉट आउट आया है। चलो जी, पाकिस्तान के अब्दुल्ला शफीक और सैम यूब आ चुके हैं क्रीज पे। आज दिन है 4:30 ऑलमोस्ट हो रहा है, 12:44 PM हो चुके हैं। डेढ़ दिन तकरीबन रहता है टेस्ट मैच के अंदर और अभी हम स्टार्ट करते हैं भाई अपना चेस। बहुत बड़ा पिच की तुम हालत देखो, डस्टे विकेट, टूटा हुआ विकेट, बिल्कुल फुल ड्रायर, प्रॉपर इंडियन ड्राई का ये। हेयर वी गो भाई, बुमराह फर्स्ट बॉल करने आया है। ओए जबरदस्त यार भाई, हम मीडियम हार्ड पे खेलने वाले बंदे, इतने मुश्किल कंडीशंस में अब्दुल्ला शफीक स्टे करना पड़ेगा आज भी तुझे भाई। बहुत मुश्किल टास्क है, लेकिन यार अपने आप को ऐसे चैलेंजेस देने चाहिए, थोड़ा थोड़ा इस तरह गेम में इंप्रूवमेंट आती है, ठीक है ना, आप प्रो बन जाते हो बिल्कुल। चलो भाई हेयर वी गो बुमराह, कम ऑन, लीव करो यार। मैं उसी चक्कर में, मैंने कहा बॉल नजर नहीं आया अभी तक यार, बॉल किधर गया? हार्डनेस में बहुत लेट नजर आता है भाई, यही तो मसला है इस गेम का। वो फुल टाइम बॉल के ऊपर आया हूँ लेकिन बहुत लेट, बॉल बड़ा लेट नजर आ रहा है। थोड़ा सा दिल कर रहा है स्लाइडर थोड़ा सा पीछे कर लूँ, जो उसका है बॉल का कितनी जल्दी आपको पता चलता है कि कौन सी लेंथ आ रही है, लेकिन नहीं यार अभी डिफॉल्ट भी खेलेंगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा ना, पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक भी मैं डालता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में भी आ रहा होगा यहाँ पे यार। वो पाकिस्तान इंडिया का मैंने टेस्ट मैच खेला था कोलकाता में, वो भी सेम लास्ट डे पे मैंने चेस किया था जाके, लेकिन वो हार्ड में था तो उसमें मुझे कोई इशू ही नहीं हुआ था। इवन मैंने बीच में सिमुलेशन भी की थी लेकिन भाई कोई किसी किस्म का इशू नहीं आया था, मैंने सुकून से मैंने चेस किया उस मैच में। आज मैंने सोचा यार हार्डेस्ट खेलते हैं, सबसे मुश्किल यही है, यहाँ पे एज लगने ही लगने हैं आपको, जो मर्जी आप कर लो। चलो भाई मेरी जान, चलो एक फायदा हो रहा है हमें यहाँ पे, शायद बॉल कैरी ना करे स्लिप्स में, शायद कीपर तो कैरी ना करे क्योंकि आप देखो लो बाउंस से कितना नीचे गया है, बुमराह ने तेज बॉल किया था, पूरा मैं बीट हुआ हूँ, लेकिन भाई बचत होगी यहाँ पे 435 का यार, 250 तक होता मजा था मैच का, इतना ज्यादा स्कोर करवा देना सिमुलेशन में, ये काम खराब है। इसलिए बिग एंड को चाहिए फटाफट से ना पूरा सिनेरियो मोड लेकर अपनी मर्जी की आप बनाओ और मैच में फुल इन हो जाओ, यानी कि लास्ट डे टेस्ट मैच का आखिरी आधा घंटा चल रहा हो और आपको जीत के लिए कोई चाहिए हो, कोई 45 ऑड रन, दो विकेट्स पड़े हो वहां से, फुल टूटा टूटा विकेट, अश्विन वगैरह लगे हो, क्या मजा। या इंग्लैंड हो वहां पर फुल टाइम सीम हो रहा हो बॉल, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर मिचेल स्टार्क स्टीमिंग इन कर रहा हो टूटे विकेट के ऊपर, बाउंसी अटैक गैबा का, वो जरा सीन हो तो मजा ही हो रहा जाता है यार। होपफुली भाई क्या पता अपडेट्स में कहीं आगे सिनेरियो मोड आ ही जाए, नहीं जब तक आता हम अपना ही बना लेते हैं यार। सैम अयूब इन डिफिकल्ट कंडीशन, सबसे पहले देखो इकाना का ग्राउंड यार, क्राउड ने मायूस किया, इतना ज्यादा क्राउड नहीं आया, मुझे लग रहा था फुल हाउस होगा यहाँ पे, बट नहीं भाई इतना खास क्राउड नहीं आया। पाकिस्तान इंडिया का टेस्ट मैच और क्राउड ने क्या किया यार, मायूस किया तुम लोगों ने, इससे अच्छा हम कोलकाता में खेल लेते, ऐसी ड्राइव मारते हैं वहां पे और क्या बात है। वाकई भाई हार्डेस्ट में देखो ड्राइव इतनी नहीं जा रही, मैंने बड़ी प्यारी टाइम की थी यहाँ पे, लेकिन सुकून से यहाँ पे मुश्किल होगी तो भाई स्पिनर्स पे ही होनी है, सही मुश्किल होनी है यार। टाटा नहीं होगा, देखो बॉक्स चेक करो, कॉम बॉक्स है आई थिंक, यस ये पता नहीं फैन बॉक्स है, ये मुझे नहीं पता भाई कौन सा है, कमेंट्स में बता देना अगर मुझे नहीं पता तो प्लीज यार। आउट स्विंगर बड़े आसानी से खेल लिया भाई यहाँ पे सैम अयूब, मेरी जान तुम्हें आज बड़ा स्कोर करना पड़ेगा। जरा देखें फर्स्ट इनिंग्स में बाबर आसिफ ने, हमारे शहजादा ने क्या किया भाई, बाबर भाई कुलदीप यादव का शिकार हो गए थे यार। यादव से बाबर भाई की बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप है यार, आउट अक्सर हो जाते हैं इनसे, 66 किया था उन्होंने। लाइनअप तो हमारी भी तकड़ी है भाई, अब्दुल्ला शफीक, सैम अयूब, शान मसूद, बाबर आजम, साउथ शकील, मोहम्मद रिजवान, आमिर जमाल, शाहीन शाह, अफरीदी, हसन अली, मोहम्मद वसीम और अबरार अहमद, और इंडिया की तरफ कुलदीप, अश्विन और जडेजा जैसे तीन जबरदस्त स्पिनर्स, साथ बुमराह और शामी आई थिंक होंगे, या शायद सिराज होगा, ये मुझे नहीं पता यार, वो सिराज सॉरी यार, मुझे देखो बॉलिंग कर रहा है और मुझे ये भी नहीं पता कि बॉलिंग कौन कर रहा है, मुझे मैं शामी सोच रहा हूँ, क्या पता शामी भी हो उसमें। गंदी शॉट खेली भाई, ध्यान से खेल भाई, 1.5 ओवर्स हुए हैं अभी तक, दो है पाकिस्तान का। ओफ तो बॉय यार, क्या चीज हो रही है यहाँ पे, अबे क्राउड आ जाओ यार, क्या कर रहे हो। वैसे शोर अच्छा है, क्राउड कम भी है लेकिन नॉइजी है, ये इट इज बजिंग।
दोनों टीम्स के तीन तीन रिव्यू पड़े हैं। मैं बिल्कुल मिडिल स्टंप पे खड़ा हूँ क्योंकि बुमराह भाई इज अ डेंजरस डेंजरस बॉलर। आउट स्विंग की मैं, वंस अगेन आई एम बीटन फॉर स्विंग। यार यहाँ पे यार ये देखो कंडीशंस, देखो पिच की तुम लोग, यार इट इज अ डेडली ट्रैक। चलो बुमराह मेरी जान। उफ यार 148 पे गई ये बॉल, किक हुआ है ये, पढ़ के फुल टाइम निकला है भाई। मैट जा रहा था ड्राइव के लिए, देखो इंटेंशन तो ठीक थी, बॉल आउट स्विंगर ही था, लेकिन यार करेक्ट नहीं हो रही अभी तक। लेग साइड पूरी खाली है यार, इसको मारे फिर पहले लेग पे, ये चेक करो, लेग पे मारूंगा मैं ऊंचा शॉट। यार बैक फुट से खेलना था मेरी जान, क्या किया। लेकिन भाई चेक करो, बड़ा मस्त है यार, वो खड़ा हुआ है उधर, आई थिंक कैरी नहीं करेगा, स्क्वायर पे सिराज खड़ा है, मुश्किल है वहां पर जाए बॉल। बुमराह भाई प्लीज एक बाउंसर दो ना जरा यार, मैं खेलना चाहता हूँ पूरा मिड विकेट के ऊपर। ये देखो मैं क्या गंदी शॉट मारूँ, टाइमिंग अच्छी है, मैं सोच रहा हूँ बस लेग पे हीव करूँ बड़ा सा। यार इतनी गंदे तरीके से खेला ये, हालांकि बाउंसर था, मैं सही गया था बैक फुट के ऊपर। यार थोड़ा सा और पीछे खड़ा हो जाता हूँ, बिल्कुल आगे नहीं खड़ा होता, ताकि बॉल थोड़ा सा और लेट आए मेरे पे, क्योंकि मुझे टाइम मिल जाए यार। यार नोबड़ वाली शॉट मारी है मैंने, मैं उसी में था कि बाउंसर करेगा, इतनी घटिया शॉट खेली है ना मैंने, बता नहीं सकता। बॉल इतनी लेट नजर आता ना यहाँ पे, पता नहीं चलता लेंथ कौन सी है। येलो मैंने रखा हुआ आगे के लिए, रेड है मेरा पीछे के लिए, लेकिन यार पता नहीं चलता मुझे। बुमराह का शिकार हो गया भाई, शान मसूद शानी ऑफिशियल कम्स एंड पाकिस्तान के कप्तान, टीम सारी मैंने वही खिलाई है जो सारी ऑफिशियली जिसके लाइसेंस्ड है और प्रॉपर प्ले फेसिस आ गए। वैसे तो पूरी पाकिस्तान की टीम लाइसेंस्ड है, बट प्ले फेसिस जिनके मैंने वही स्क्वाड रखा है सेम। ठीक है नाइस भाई, भाई 2-1 हो गया पाकिस्तान का। यार बीच में सिमुलेशन भी करूंगा अगर आपकी इजाज़त हो तो, ज़रा मैच को और इंटरेस्टिंग बनाएंगे, क्योंकि मुझसे चेस तो नहीं होने वाला इस तरह। बाबर आजम से ना, बाबर आजम से बैटिंग खुद करेंगे, मैं चाह रहा हूँ बाबर आजम है साथ, कुलदीप लगाओ साथ, उधर से जतेजा और अश्विन लगे हो, कितना मज़ा आएगा ना। मारने चला था और पवेलियन की तरफ भी चला था, लेकिन बच गया क्योंकि कनेक्ट नहीं हुई मुझसे। यार प्लीज़ बोर मत होना, हार्डेस्ट मैच ही होता है यार। शॉट देखो तुम लोग सब, ओ भाई नहीं वापस आ जा, आ जा, आ जा, वापस आ जा। शाबाश, शॉट तो आखिर मार ही दी थी इस एंगल से, मुझे लग रहा है, वैसे बॉल नहीं बोलने चाहिए बड़े बड़े, लेकिन लग रहा है मुझे कि शायद थोड़ा सा बचत हो ही जाए मेरी सिराज जहाँ से आ रहा है। बोला ही था और साथ ही ये देखो आइडियल टाइम हुई थी, रिप्ले बेशक पीछे करके देख लेना तुम लोग, अब आइडियल टाइम करके भी अगर बंदा ऐसे लगाएगा तो फिर बंदा क्या करेगा इस पिच पे। यार बहुत मुश्किल है यार क्रिकेट खेलनी इस पे हार्डेस्ट पे। एक तो लोगों के कमेंट्स आए हैं मुझे, उन्होंने कहा जी हार्डेस्ट पे हम काफ़ी, हम तो बड़ा मारते हैं यार, पता नहीं यार कैसे मारते हो आप लोग, प्रो हो बहुत ज़्यादा मुझसे, तो यार मैंने अभी आइडियल टाइम किया फिर मेरा एज लग गया है और मैं क्या कर सकता इससे। अच्छा शहजादा आ गया, पाकिस्तान की जान आ गया भाई, बाबर आजम अपना ग्रे निकलस का बल्ला पकड़ के आ गए हैं। इसका मैंने बैट पर से दूसरा बाबर का किया हुआ है प्रॉपर, वो हाइपर नोवा का आई थिंक खेलता है, वही कर दूंगा मैं ना, छोड़ दे मेरी जान। बाबर के पास बहुत टाइम है, जिस तरह पाकिस्तान के कहते थे इंजमाम अलग के पास बहुत टाइम होता है ना, जितने मर्जी बॉलर तेज लगाओ इंजमाम भाई आराम से लगे रहते थे अपना सुकून से, ऐसे बड़ा इतना बड़ा प्लेयर था, रोहित शर्मा को कहते हैं बहुत टाइम है इसके पास, तो ऐसे प्लेयर अच्छे होते हैं जिनको सुकून से कभी कहीं भी शॉट मार देते हैं आपको। तो बाबर भाई होपफुली यार ऐसे क्रिकेटर बन जाएंगे एक दिन ना। वो लेग स्लिप लगाई हुई है भाई, बुमराह ने तो फुल टाइम हम पे अटैक डाला हुआ है और 3 आउट हो गए। तो भाई हार्डेस्ट में ऐसे ही है ठीक है, मजाक उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, हार्ड में खेलते हैं सारे लोग और प्रॉपर कंपटीशन होता है बैट बॉल के बीच में। हार्डेस्ट में बहुत मुश्किल है, एक दिन आएगा हम कभी प्रो होंगे, कभी 2-3 महीने खेलने के बाद अगर हार्डेस्ट में मैं खेलता रहूँगा तो फिर नहीं, 2-3 महीने तो नहीं, 5-10 दिन भी खेलूंगा हार्डेस्ट तो हो जाऊंगा प्लेयर यार। लेकिन यार कंटेंट क्रिएशन में भाई ज़रा कंटेंट शंटेंट बनाना होता तो हार्ड पे ठीक रहती है गेम ना, ज़रा इवन कंपटीशन रहता है बॉल और बैट के बीच में। साउथ शकील आ गया अपना कराची का प्लेयर, इसके लिए पिच आइडियल आई है, हमने पीछे इंग्लैंड में खेले थे वहाँ तो मुश्किल थी क्योंकि बाउंस सीम सब कुछ था, यहाँ पे तो आइडियल कंडीशंस होंगे ना साउथ के लिए। चेक करो आते कितनी कॉन्फिडेंट शॉट खेला है। यार मेरे ख्याल में मैं शेलमैन आ जाऊँ, जो बॉल मिलने वाला मारने वाला उसको मारूँ। एहसान का बल्ला देखो अपने भाई ने दिया हुआ इसको शहजादे को, शहजादा पूरे फील्डर्स काउंट करे अपने, चेक करे वो देखो कह रहा है छटना नहीं है स्वरितान। लेकिन आगे भी भाई जसप्रीत बुमराह है, अपनी कंडीशंस में खेल रहा है ये, तो कहीं भी जाके दुनिया को वक्त टाला होता है लेकिन अपनी कंडीशंस में तो आपको पता ही है यार, फिर सारे कितने प्लेयर होते हैं। ओह यार ये स्ट्रेट ड्राइव मारने वाली थी और मैं इसको कवर्स पे खेलने जा रहा था, ये देखो फिर खड़ा हुआ सामने शॉर्ट कवर पे रविंद्र जडेजा, इतना खतरनाक फिल्टर लिया हुआ है कि इसके तो लेफ्ट राइट पे भी इसके पता नहीं कितनी ज़्यादा रेंज होगी, 2-3 फुट तो इधर उधर ही आराम से कर लेगा, सॉरी 2-3 फुट कह रहा हूँ ज़्यादा इससे तो। क्या ज्यादती है यार, सीधी स्ट्रेट ड्राइव मारी है उस पर भी आउट हो गया यार। इससे पहले कि ज़्यादा बदनामी हो एक बार ना सिमुलेट कर देते हैं ठीक है, ताकि बाबर आजम क्या पता स्कोर थोड़ा चलाई देगी। चेक करो सीधी खेली इस दफा, पता नहीं सुपरमैन बने हुए बैटमैन के भाई सारे बने हुए, श्रीयस ईयर नहीं था ना, जबरदस्त कैच ले लिया यार।
सऊदी इज गॉन, द ग्रेटेस्ट पार्टनरशिप मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, पाकिस्तान की जान सिमुलेट करते हैं, प्लीज जरा एंड संभालना भाई दोनों शहजादो। बाबर भाई खड़े हैं लेकिन रजी भाई इज गॉन, 88 पीछे हो गए, अब हम खेल रहे हैं, थोड़ी इज्जत रख लेते हैं पाकिस्तान की यार। वैसे इज्जत तो सिमुलेशन ने रखी है, मैंने तो बिल्कुल नहीं रखी, लेकिन चलो चलो जी। बाबर आजम ऑन 48, शाहीन शाह अफरीदी के साथ, न्यू कैप्टन विद फॉर्मर कैप्टन, और साथ में बुमराह अभी तक लगा हुआ नहीं लेके, मैं तो समझ रहा था स्पिनर्स वक्त डालेंगे, इस बुमराह ने डाला हुआ यहाँ वक्त, यार टिप टिप करना ना तो हम कर लें आराम से, लेकिन शॉट मारने तो वहाँ पर बड़ा मसला होता है भाई। स्कोर कार्ड में क्या सीन चल रहा है, अश्विन आया हुआ यार, दो ले गया, आमिर जमाल भी उड़ा गया और साथ में अपना मोहम्मद रिजवान को भी ले गया भाई शहजादे को। जतेजा ने 5 किए हैं ओवर्स, अश्विन भाई ने 6 कर दिए हैं, कुछ समझ नहीं आ रही क्या होगा यहाँ पे, हार ही होगी और बड़ी हार होगी लग रहा है। चलो विकेट जरा मल एक, यस यहाँ पे खड़े इतने सेंटर में आके, चलो बाबर भाई दिखा दो दुनिया को अपनी क्लास। ये अनप्लेबल है, इसको तुम खुद बताओ ये मैं क्या करूँ इसको यार, कभी लो बाउंस है, कभी हाई बाउंस है, कभी बॉल उछल जाता है, कभी सीम भी हो जाता है भाई, कोई पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पर। यार अलाउ करो कि मैं हार्ड कर लूँ, थोड़ा कंपटीशन अच्छा हो जाए, हैं शुक्र है डरते डरते हल्की सी ड्राइव करी थी मैंने। बॉबी भाई कोई ड्राइव श्राइव मार दो, चलो ऐसे ही भाग लो एक रन तो बना। यार कितनी बड़ा लेग्स पे जा रहा था, लेकिन ऋषभ पंत यार वापस आया इंजरी से, क्या रोकी है उसने। ओ भाई साहब अश्विन आ गया, कब से मैं वेट कर रहा था कोई स्पिनर आए, रविचंद्रन अश्विन, बाबर को बॉलिंग करने इतने मुश्किल पिच पे, यार यार टिप भी करते तो कम से कम आगे फ्रंट फुट पे तो आओ ना, उस तरफ को जाओ बॉल की तरफ, रीच करो यार, अजीब ही ड्रामा बनाया हुआ। उफ 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 उफ, इस दफा मैं थोड़ा सा बॉल के ऊपर गया, लेकिन आउटसाइड द इम्पैक्ट, आउटसाइड द लाइन है यार, तो आउट नहीं होगा यहाँ पे। नहीं रोहित शर्मा यहाँ पर रिव्यू क्यों बनता ही नहीं है यार। चलो जी वंस अगेन भाई, ये रोकी ना सैया, बॉल तक पहुँच गया भाई। भाई एक बार ना तुम लोग डिफिकल्टी देख लो यार, सरा ये देखो भाई, लेजेंड पे ए, ये हार्डेस्ट 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 सब कुछ, और अंपायरिंग डिफॉल्ट पे जिस तरह की होती है, ठीक है। दिल तो मेरा कह रहा था कि हार्ड पे कर लूँ, थोड़ी सी स्कोर है, लेकिन फिर वो मज़ा नहीं आएगा ना, हार्ड पे तो हम खेल लेते हैं मतलब, तो काफ़ी इजीली मैनेज कर लेते हैं, यहाँ पर मुश्किल है ये, अब ठीक है। अच्छा अपनी तरफ से मैं काफ़ी लेट खेला था, लेकिन ये तो बिल्कुल ही यार लगा अर्ली आया है बिल्कुल, पता नहीं ये मीटर किस तरह का नीचे देते हैं कि जी अर्ली खेल गया। स्वीप करूँ, गंदी पिच पर स्वीप करेंगे, देखो चलो जी शॉट है बाबर भाई, ये तो आप खड़े होकर वैसे खेल सकते हैं, लेकिन आपने कहा स्वीप करनी है सिंगल भाई, नो 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 जस्ट अ सिंगल। हसन अली चेक करो लाइसेंस प्ले फेसेस, क्या बात है यार, फिरकी, ओए मैं सीरियस में ऑफ ब्रेक के लिए खेला था, ये तो फिरकी मारी अश्विन ने, ये देखो पढ़ के सीधी निकली है यार, क्या बॉल है भाई, आम बॉल किया सीधा सीधा, इसका रिप्ले बनता देखना। हसन अली भी गया भाई, डॉन ब्रेडमैन वाली टोपी तो पहन के आया हुआ था, लेकिन ही इज गॉन, मोहम्मद वसीम जूनियर कम्स इन, रीप्ले देखो तुम लोग भाई, ये देखो अश्विन की फिरकी यार, फिरकी मारी है पूरी उसने, देखो बॉल मैं समझा था कि शायद ऑफ ब्रेक हो, लेकिन वो सीम के साथ बिल्कुल फास्ट बॉलर की तरह की बॉल की है, देखो मैं ब्रेक के लिए खेलने गया हूँ और ऑफ स्टंप को जाके छू लिया गेंद ने, क्या बात है भाई, भाई साहब वेराइटी सी वेराइटी है, हार्डेस्ट डिफिकल्टी में। चलो बाबर भाई पांजा ना प्लीज दे देना आप उसको, अब बुमराह को, चलो जी स्टम्प्स मार ले जरा, आए हाय ऐसी बॉलें मिलती ना तो इजी हम खेलते हैं, डबल आउट शबा, दैट्स द 50 फॉर द किंग यार, 3 आ जाए कोई रन आउट ना हो जी, गंदी बिल्डिंग यहाँ पे 3 आए। बाबर आजम द मैन इज द ग्रेटेस्ट वन यार, जबरदस्त मेरी जान, क्या बात है, 80 का 90% स्कोर सिमुलेशन का था, लेकिन हम पूरा भाई क्रेडिट लेंगे क्योंकि हमने अभी तक खड़ा किया हुआ उसके यहाँ पे। अश्विन की ओवर खेला पूरा यार, इतना मुश्किल ओवर, ओए तुम लोगों का मारना नहीं है स्ट्राइक देना बाबर भाई को, क्या कर रहे हो भाई, फुल टाइम स्टम्प्स में घुस चुका हूँ, ये देखो और पीछे आ गया हूँ मैं, और क्रैक्स हो कितने ज़्यादा पड़े हुए, पूरा पूरा ना अपनी क्रीज का यूज़ करना है मैंने भी, जिसना फास्ट बॉल करता है भाई, मैं भी फुल डीप खड़ा था, खेलने इसलिए चला गया था क्योंकि पता नहीं होता पढ़ के एकदम से अंदर आ गया ना, ऑफ कटर हो गया तो डंडे अपने तो गए पीछे। 435 का टारगेट ले करने आए थे, 110-120 होता तो शायद हम जीतते, शायद करीब पहुँच जाते। अपील, ये क्या बॉल है यार, तो टिप करना ही मुश्किल हो गया यहाँ पे, क्या जबरदस्त बॉल की है, चैलेंज दे लो लेकिन तुम लोग उड़ चुके हो यार, रिव्यू तो ले लिया, लेकिन ये तो पीच ऑफ डिलीवरी, पढ़ के कैसी सीम के साथ अंदर आई है, इन स्विंगर था, दैट इज गॉन यार, बाय बाय मोहम्मद वसीम। क्राउड देखो भर गया, इंडिया जीतने लगा ना तो सारा क्राउड आ गया यार, ये गुस्से में जा रहा है ऐसे जैसे पता नहीं कितना कर लेना था इसने। अबरार अहमद प्लीज अब एक गेंद खेल जाना, क्राउड को देखें
वो देखो इंडिया की जीत के लिए पूरा फुल हाउस हो गया भाई, चक करो तुम लोग। हमें अभी कह रहे थे इकाना स्टेडियम में लोग नहीं आए, यहाँ तो फुल टाइम आ गए यार। बाबा ने कहा पूरी विकेट में मल है, बस बल्ला ला दी तेरी मेहरबानी हो। ओए लगा दिया भाई, बाबर का वैगन व्हील देखा था पीछे भी, कितना सुपर था। हमने उसमें से कुछ भी नहीं किया, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन होगा अपना एक दो स्कोर का। हाय 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 हाय, द वॉल ऑफ पाकिस्तान यार, जिस तरह राहुल द्रविड़ थी ना वॉल ऑफ इंडिया, वैसे ही बाबर आजम भाई इमर्ज हुआ ऐसा जबरदस्त किस्म का। लीडर भी अच्छा था हमारा यार, इसने काफी में मैच जिताया बाबर ने, और साथ में बैट्समैन तो इज आउटस्टैंडिंग। वो देखो फेंगे फिर लंबा छक्का इसको, अबे नहीं सोचना भी नहीं, बस रोकते जाओ। ठीक है शबाब भाई, यार तुम लोगों को देखने को टिप टिप मिल रहे होंगे, लेकिन मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बॉल काफी मूवमेंट कर रहा है मतलब, और एक नूब बैटिंग कर रहा है तो ये क्या शॉट मैंने मार दिया यार। यार मैंने स्वीप करनी थी, ये क्या इसने मार दी। ओ भाई अश्विन को देखो, अच्छा बुमराह को देखो, 5 विकेट्स ले गया यार। मैच इतने बुरी तरीके से शिकस्त हुई है ना यहाँ पे, हमें क्या कहे बंदा यार, अब यहाँ पे 340 रन से हार गए हैं। वो भी अगर मैं ना खेलता तो शायद हम करीब पहुंच जाते, लेकिन आपका भाई इतना बड़ा प्लेयर है ना कि बस क्या बताएं। बल्ला भी टेस्ट हो रहा, हार्डेस्ट में और भी कुछ मैचेस खेलेंगे इस तरह के, इंग्लैंड को लाएं, इंग्लैंड को जरा हरवाएं इंडिया से यहाँ पे हार्डेस्ट में लाकर। चलो यार अभी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपने कैरियर मोड को स्टार्ट करेंगे भाई, हार्ड में खेलेंगे। हार्डेस्ट तो भी मुश्किल है यार, क्योंकि हार्डेस्ट काफी मुश्किल है, कोई भी नहीं खेलता इस तरह हार्डेस्ट के ऊपर, क्योंकि कॉम्पिटिशन होता नहीं बॉल और बैट के बीच में। तो चलो यार, अच्छा एक और चीज़ हो सकती है, हार्डेस्ट में थोड़ी सी अपनी ट्यूनिंग करके ना उसको हम खेल सकते हैं, लेकिन फिर वो मज़ा नहीं है ना, इसलिए प्रॉपर जो गेम ने डिफॉल्ट दिया हार्ड, बस उसी के साथ खेलेंगे हम। ठीक है, और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, वैसे तो खास कुछ नहीं था वीडियो में, लेकिन जलालत इतिहास, लेकिन फिर भी यार ज़रा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपना वैल्यूबल फीडबैक लास्ट में शेयर करना। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में कैरियर मोड के साथ ही, अपना बहुत सा ख्याल रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।